the as it is for me, if it's so milk or whatsoever is, so you have to squeeze it. It becomes soft and now you have to make the ball. And this is gola banana. तो मैं आप लोग के सामने में इमली की मीठी चटनी की रेसिपी बना के दिखाने जा रही हूँ। मैं एक स्कूल में गई तो वहाँ बच्चों को कुछ इंस्टेंट रेसिपी सब बताई और उन लोग को ये मेरी इमली की मीठी चटनी बहुत ही अच्छी लगी, तो उन्होंने पूछा मैडम आप ये किस तरह बनाए, इसलिए मैं आज आप लोगों को इमली की मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इमली के चटनी के लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स ली हूँ। ये कटोरी से एक कटोरी मैं इमली ली हूँ और इसे ये कटोरी पानी में भिगा के रखी हूँ। एक दो घंटा हो गया ये कटोरी की नाप की 80 ml की माप की, और इतना गुड़ ली हूँ एक कटोरी, थोड़ी चीनी भी ली हूँ, नमक भी थोड़ी सी नमक भी डालूंगी। तो ये जो इमली को जो भिंगा कर रखी हूँ इसका पल्प निकाल लेना है मुझे। कितने देर आपने खुलाया है? एक दो घंटा के लिए मैंने इसे भिंगा कर रखी, इसका पल्प निकाल रही है। अच्छा, अच्छी तरह इसे मिक्स करना है, इसके बाद इसको निचोड़ लेना है। इसका मसल रही है? हाँ, खूब अच्छी तरह मसल रही है। अब मैं इसे स्ट्रेनर में छान लूंगी। देखिए मैं स्ट्रेनर की सहायता से इसे छान लूंगी, इसका पल्प को निकाल लूंगी। छोटा स्ट्रेनर से नहीं हुआ मेरा, तो मैं बड़ा स्ट्रेनर ले ली, तो इससे मैं इसे छान रही हूँ। इसका जाली थोड़ा मोटा है इसलिए, वो बहुत पतला जाली था उसमें नहीं होगा। इसमें मुझे और पानी देना है। देखिए इस तरह निचोड़ कर हाथ से इसका पल्प निकाल लेना है। इसका पल्प निकाल लिया और थोड़ा पानी भी मिला दी हूँ। अब मैं इसे गैस के चूल्हे में इसका चटनी बनाऊंगी। इमली का पल्प पानी सहित इसमें डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें गुड़ को डाल दूंगी। थोड़ी सी नमक भी मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल दी। आप मीठा अपना मन पसंद दे टेस्ट करके देख लें, अगर मीठा कम लगे तो आप इसमें और भी गुड़ डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं।
देखिए अभी इसका कंसिस्टेंसी ऐसा है, तो आप अपने अनुसार इसका कंसिस्टेंसी के अनुसार आप इसको गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और गाढ़ा करूंगी, इसे और ठीक करूंगी थोड़ा। मैं थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो ऐसे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, बच्चे खाएंगे तो इसलिए मैं थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ। रंग भी अच्छा आएगा और तीखा भी नहीं होगा। अब मैं इसमें थोड़ा रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दी टेस्ट बढ़ाने के लिए, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। आप ये चटनी को बाद में अगर चाहे तो जीरा लाल मिर्च और हींग से थोड़ा सा तेल में इसका छोका भी लगा सकते हैं और टेस्टी बनाने के लिए। मेरी ये इमली की चटनी बन गई है, देखिए ये ठंडा होने के बाद ये आप बोतल में रख सकते हैं और बहुत दिन तक इसे खा सकते हैं। और ये मेरी यह हरी चटनी है पुदीना धनिया की, ये सब आप बना के आप चॉप आलू चॉप समोसा चाट वगैरह दही बड़ा में आप इसे दे सकते हैं। और ये सब देने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप अभी जो अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करे, लाइक करे, शेयर करे या कमेंट्स करके भी मुझे जरूर बताए। आपके कमेंट्स के अपेक्षा में मैं हूँ। और थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।